नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे RSS से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 में वे गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह RSS के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे BJP से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किए, जहाँ से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव पद पर पहुंचे। गुजरात भूकंप 2001 के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 में गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जाँच दल को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने राज्य गृह गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज। उनके राज्य में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी राजग को कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता अधिनियम 2019 भी पेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग का अनुभव किया। मोदी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। मैं नहीं चाहता इतिहास में अमर होने के लिए। अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर, दुनिया याद करे
तो मेरे देश को याद करें, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें, ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है।